उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल आपकी गार्डनिंग दोस्त, कैसे हो? आज हम बात करेंगे पेंडेनेंस प्लांट के बारे में। तो ये प्लांट की मिट्टी कैसे बनाएंगे, उसको कैसी खाद दे, और अभी ठंडी की मौसम है तो इसको कैसे संभाले, ये सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं ये प्लांट कहीं से भी, मैं एक छोटी सी कटिंग लेके आ गई थी, और इसमें से आप एक साल के अंदर आप देख सकते हो कि मेरा प्लांट कितना बड़ा हो गया है और कितने ढेर सारे इसमें से बेबी प्लांट निकल रहे हैं। और ये प्लांट मिट्टी में भी ग्रो होता है और पानी में भी, तो मैंने पानी में भी इसको लगा दिया है, आप देख सकते हो। और इसमें पानी में लगाने के कितनी ढेर सारी जड़ भी आई है। तो आज पेंडेनेंस प्लांट के बारे में बात करेंगे। एक ये डिवाइड करके, मतलब एक प्लांट में से आप अनेक प्लांट बना सकते हो, कि एक प्लांट में से आप देखो यहाँ से डिवाइड कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको यहाँ से अलग कर दो। तो आप एक बार अपने गार्डन में कहीं से भी ऐसा एक छोटा सा बेबी प्लांट ला के लगा दो, और एक साल के अंदर आपका गमला पूरा भर जाएगा। और जब जब यहाँ कोई ऐसी खराब पत्ती हो तो आप काट के निकाल दो, तो हमारे प्लांट की शोभा खराब ना हो। तो पहले आती है मिट्टी, तो वो मिट्टी में भी लगता है और पानी में भी ग्रो होता है। पानी में भी उसको अच्छी सी जड़ आ जाती है, जैसे मनी प्लांट की आती है। तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ कि एक भाग हम हमारी गार्डन सॉइल लेंगे, दूसरा एक हिस्सा हम कोई भी कंपोस्ट लेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बकरी का मैन्यूअल यूज़ करती हूँ। आपके पास किचन वेस्ट हो, कि पत्ती की खाद हो, गाय का गोबर की खाद हो, कोई भी खाद आप, और तैयार जो भी लाए हो वर्मी कंपोस्ट, कोई भी एक भाग इसका ले लो और एक एक भाग सैंड ले लो, और फिर अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बना के आप इसमें ये प्लांट लगा दोगे, तो एक साल में आपके पास बहुत बड़ा, देखो मेरे पास एक साल में कितना ढेर सारे प्लांट बन गए हैं। फिर आती है पानी, तो हमें इसको पानी का खास ख्याल रखना है कि ज़्यादा बहुत पानी नहीं देना है, और हमेशा मॉइस्चर लेवल हमें बनाए रखना है। जब गर्मी होती है तो हमें खास इसका पानी का ख्याल रखना है, पर अभी ठंडी की मौसम है तो आप इस स्प्रे बॉटल से पानी आप अंदर मिट्टी में भी दो, और मॉइस्चर पर जब तक मिट्टी सूख ना जाए, तो बार बार हमें मिट्टी में भी पानी नहीं दे तो भी चलेगा, हम अपनी स्प्रे बॉटल से इसके ऊपर पानी डालेंगे तो हमारा प्लांट की शोभा भी बढ़ी रहेगी और इसको जितना पानी चाहिए उतना पानी भी मिल जाएगा। और जब पानी आ गया, मिट्टी आ गई, तो जब गर्मी होती है, अभी तो ठंडी की मौसम है तो इसको इसकी कोई इतनी ऐसा नहीं है कि हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, इसको कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हो कि मेरे प्लांट की एक भी पत्ती भी ख़राब नहीं हुई है, और कितना खूबसूरत और ढेरों ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ देने वाला प्लांट है। तो आप ये प्लांट एक बार जब लगाते हैं ना, फिर इसकी ऐसा नहीं है कि जैसे मनी प्लांट की तरह ही है कि धीरे धीरे कहीं कहीं एक एक पत्ती कहीं कहीं ख़राब हो जाती है तो हम निकाल देते हैं, पर इसका ऐसा जो लुक होता है इतना सुंदर होता है कि हमारे गार्डन में लगाए और इसकी एक हैज भी बनाते हैं तो भी हैज के अंदर भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला ये प्लांट है। और खाद तो हमें ऐसा कोई देने की ज़रूरत नहीं होती है कि जैसे हमने एक बार वेल ड्रेन मिट्टी बनाई है और इसमें अच्छी सी खाद डाली है, तो हम साल में एक बार, फिर साल में 6 महीने के बाद ही आप इसे कोई भी थोड़ा सा DAP का दाना डाल दो, या मिट्टी को गोद करके कोई नाइट्रोजन रिच, कोई भी गाय की गोबर की ऐसी कोई भी फर्टिलाइजर दे दो, तो ये प्लांट हमारे गार्डन में सालों साल तक बना रहेगा और हमारे गार्डन की शोभा बनाते रहेगा। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।